भारत में काले धन का भूत बहुत समय से लोगों को परेशान कर रहा है। इसके लिए तो बाबा रामदेव ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ब्लैक मनी की बात हो और स्विस बैंक का नाम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आखिर क्यों स्विस बैंक को काले धन का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है? स्विस बैंक आखिर है क्या, इसके क्या रूल्स है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सार्थक मान। सबसे पहले बात करेंगे स्विस बैंक आखिर है क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्विस बैंक भी हमारे उन बैंकों जैसी है जहाँ पे आपका और मेरा अकाउंट है। ये भी उसी तरह काम करती है जैसे दूसरे बैंक काम करते हैं, सिर्फ इन बैंकों के नियम और काम करने के तरीके कुछ अलग हैं। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी UBS है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। इसे वर्ल्ड में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी विश्व में किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को संभालने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है। विश्व के सभी वो राजनेता जो भ्रष्ट हैं, टैक्स चोरी करते हैं या अपनी संपत्ति छुपाना चाहते हैं, उन सभी का अकाउंट स्विस बैंक में है। ये लोग अपनी ब्लैक मनी यानी कि सरकार की नज़र से बचाया गया पैसा इन बैंकों में जमा कराते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होता है, सरकार को पता भी है, फिर भी इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस बैंक के सारे नियम और कानून जानने होंगे जो आज हम आपको बताएंगे। स्विस बैंक असल में स्विट्जरलैंड में है और ये बैंक इतना पावरफुल है कि किसी भी देश में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई एक बैंक नहीं है, ऐसे कई सारे बैंक है जिनको स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंक में एक बैंक जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, UBS बैंक, यह वर्ल्ड की टॉप 3 बैंकों में से एक है। शायद ये सुनकर आपको हंसी आ जाए पर यह सच है। स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कराना हमारे देश के SBI बैंक के अकाउंट खोलने से ज्यादा आसान। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करा सकता है। आप घर बैठे स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ तक कि UBS जैसी बड़ी बैंक आपको ईमेल के जरिए अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट पर ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो आपको स्विस बैंक में अकाउंट खोलने में मदद करती है। इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको शुरुआत में 2,68,000 रुपए जमा करने होते हैं और कुछ कागजात जमा करने होते हैं जैसे कि पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जैसे कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके जो पूर्वज उनके पास कितना पैसा था, ये सारी जानकारी इसके अंदर देनी होती है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ द ओरिजिन ऑफ योर डिपॉजिट्स, यानी कि जो जो आपके अकाउंट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होनी जरूरी है। साथ ही आपके कितने डिपॉजिट्स हैं उनकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं स्विस बैंक के खास नियम और कानून के बारे में। आप सोचते होंगे यदि सभी को पता है कि स्विस बैंक में लोगों का काला धन है तो आज तक उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यह बैंक जिस देश में है यानी कि स्विट्जरलैंड में, वहाँ के कानून के हिसाब से इन बैंकों को अपने मर्जी से काम करने की आज़ादी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के बाद स्विस बैंक खाताधारक को एक नंबर प्रोवाइड कराता है या फिर यूं कहें एक ID प्रोवाइड कराता है। इस ID की मदद से खाताधारक पैसे जमा और निकाल सकता है। इसका मतलब यह है कि अकाउंट ओपन होने के बाद खाताधारक का नाम प्रयोग में नहीं लाया जाता, यानी कि उसको नाम से नहीं बुलाया जाता, उसके ID से पहचाना जाता है। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को उनका नाम जानने और डाटा एक्सेस करने की भी अनुमति नहीं है, वो सिर्फ उनकी ID से ही सारा काम करते हैं। अकाउंट होल्डर की जानकारी देखने का अधिकार कुछ खास अधिकारियों के पास है। वहाँ पर एक नियम है, जब तक किसी देश द्वारा यह साबित नहीं हो जाता कि खाताधारक के पास ब्लैक मनी है तब तक वो जानकारी किसी को नहीं देते हैं, और इस नियम का सपोर्ट वहाँ की सरकार करती है। और अगर कोई कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से कोई जानकारी लीक करता है तो उसके लिए सख्त सजा है वहाँ पर। यदि कोई खाताधारक दोषी पाया जाता है और जिस भी देश का वो नागरिक है उस देश को स्विट्जरलैंड सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि अनुमति मिलती है तो वहाँ की सरकार उस बैंक को एक लेटर देती है, उस लेटर में खास तरीके के ऑर्डर होते हैं, तब जाकर बैंक उस व्यक्ति के खाते का ब्यौरा देती है। स्विट्जरलैंड में टैक्स चोरी अपराध नहीं है, यही कारण है कि लोग अपना सारा पैसा स्विस बैंक में जमा कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि स्विस बैंक खाते से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित में खाताधारक को नहीं देता है। यानी कि किसी का खाता स्विस बैंक में है या नहीं ये भी आप पता नहीं कर सकते हो। जब आप यही पता नहीं कर सकते हो तो आप स्विस बैंक में किस बिना पर जानकारी ले सकते हो? इसी वजह से हमारे देश की सरकार स्विस बैंक से काला धन लाने में नाकाम रही है। अब बात करते हैं भारत के लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है। टैक्स हेवन के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड में भारतीयों ने पिछले साल जमकर पैसा जमा कराया। भारत के ब्रांच और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से साल 2021 में व्यक्तियों और फर्मों ने 30,500 करोड़ रुपए जमा कराए। यह 14 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है, यानी कि 14 साल में सबसे ज्यादा पैसा इसी साल जमा हुआ है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट्स में बताया कि इंडियन सिक्योरिटीज एंड कस्टमर डिपॉजिट में इजाफा हुआ है। स्विस बैंक में भारतीय कस्टमर्स ने 2020 के अंत तक 20,700 करोड़ रुपए जमा कराए थे और साल 2021 में यह बढ़कर 30,500 करोड़ रुपए हो गए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।